हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पावन जाटव है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और आई होप आप सब लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोग रेडी हुए हैं, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि सबको पता है कि लॉकडाउन है, लेकिन अपने लिए भी तो जीना है ना। तो हम लोगों ने आज एक टास्क दिया था लेडीज को कि सब लोग अपने अपने घर पे तैयार होंगे। जिस तरीके से आप अपने शादी की सालगिरह के लिए तैयार होते हैं, जिस तरीके से आप अपने बर्थडे के लिए तैयार होते हैं, जैसे अगर घर पे हमारे बच्चों का जन्मदिन होता है तो उसके लिए आप तैयार होते हैं, आप चीजें निकाल के रखते हैं अपने कि मुझे क्या पहननी है, कैसे मुझे अपने आप को रेडी करना है। तो हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम आज रखा था जिसमें हमारे साथ अलग अलग प्रोफेशन की लेडीज आज जुड़ी थी और बहुत सारी लेडीज थी आज हमारे साथ। और सच में बताऊं तो आज सारी लेडीज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। किसी ने साड़ी डाली थी तो किसी ने सूट डाला था, जो जो जिनके जिनके कंफर्ट जोन में था उन्होंने वो किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पे शादी के बाद उन्होंने कभी अपने लिए सोचा नहीं कि हम लोग रेडी भी हो सकते हैं, हम लोग ऐसे भी दिख सकते हैं शादी के बाद। शादी के 6 साल निकल गए, शादी के 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गया और उन्होंने कभी लिपस्टिक तक नहीं लगाई। तो उनको एक टास्क मिला था कि आपको अपने आप को रेडी करना है। और सच में आज कितनी सारी लेडीज ऐसी थी कि जिनके चेहरे पे इमोशन थे, जिनके चेहरे पे खुशी थी, जिनके चेहरे पे आज ये था कि नहीं, आज इतने सालों बाद हम लोग रेडी हुए हैं आज। और घर पे सब लोग उनके लिए ये बोल रहे थे कि कहाँ जाने वाले हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि नो डाउट आज टेंशन है, नो डाउट आज जो हमारे मार्केट की सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बहुत चैलेंज है। लेकिन एक चैलेंज आप और ले सकते हैं और वो चैलेंज ये है कि आप खुद से प्यार कर सकते हैं, खुद के बारे में सोच सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया, अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश की और ये नतीजा, इसका नतीजा आज ये निकला कि जो लेडी दो लोगों के बीच में नहीं बोल पाती थी, अपना नाम नहीं बोल पाती थी, आज उन्होंने यहाँ पे आके अपने लाइफ के बारे में बताया, उनका क्या सिचुएशन रही, कैसे शादी हुई, शादी से पहले उन्होंने क्या सोचा था, शादी के बाद वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई और इस प्लेटफॉर्म पे आके उनको क्या ऐसा मिला कि उन्होंने अपने आप को जीना सीखा है फिर से। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत सारी लेडीज के साथ हम लोग मिले, उसमें डॉक्टर्स भी थी, उसमें हाउसवाइफ भी थी, उसमें टीचर्स भी थी, उसमें हर एक प्रोफेशन की लेडी थी, उसमें हाउसवाइफ भी थी, मतलब वहां पे आप समझ सकते हैं कि हर प्रोफेशन की लेडीज ने आज ये वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम अटेंड किया। उन्होंने अपने अपने बारे में बताया कि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम अपने आप को कहीं ना कहीं पे भूल चुके हैं। और किस तरीके से आज वो थैंक्स बोल रही थी कि इस प्लेटफॉर्म ने हमें बहुत कुछ दिया, अपने बारे में सोचने का मौका दिया और ये टेंशन फ्री करवा दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक को चाहिए लाइफ में। लेकिन ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलती है। आज कितने खुश थे हमारे लोग, आज उनके चेहरे पे कितनी खुशी थी। आज जो लोग बात कर रहे थे कि हम लोग पहले किटी ज्वाइन करते थे इस चीज के लिए कि महीने में एक बार तो हम लोग कपड़े डालेंगे सही तरीके के, और अब वरना तो घर पे जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही रहते हैं। किटी ज्वाइन करते थे या कुछ ना कुछ शादी का वेट करते थे कि कब शादी होगी, हम लोग रेडी होंगे। लेकिन जब से लेके इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इस इंडस्ट्री में आए हैं, तब से लेके वो रोज रेडी होते हैं, रोज उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग किसी फंक्शन में जा रहे हैं, अपने आप से प्यार करना सीखा है। आज कैसे लेडीज ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पता ही नहीं था कि कहाँ उनकी इयररिंग है, कहाँ उनका वो सूट फेवरेट जो उन्होंने बनाया था और डाल नहीं पाए थे क्योंकि ऐसा मौका नहीं आया। कुछ लोग ऐसे कॉलोनी में रहते हैं जहां पे कई सालों से किसी की शादी नहीं हुई है, किसी ने बर्थडे में नहीं बुलाया है, उनको वो कपड़े डालने का मौका नहीं मिला और आज उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से रेडी किया था
मुझे कितना अच्छा लग रहा था उनको देख के, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वो कि इस बिजनेस की वजह से उनकी फैमिली में कितनी खुशी आई है। जहां पे उनके हस्बैंड घर पे कोई सपोर्ट नहीं करते थे, उनको खाना बनाने में सपोर्ट नहीं करते थे, उनको हंसते नहीं थे, आपस में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, और आज वो ऐसे हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। आज लॉकडाउन का टाइम पे सबको पता है कि काम वाली ने नहीं आना है, लेकिन कैसे एक दूसरे को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ऐसा एसोसिएशन, ऐसी संगत आपको कहाँ मिलेगी, और एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ने शेयर किया कि मुझे थायराइड था, मैंने कैसे अपने थायराइड को खत्म किया, कैसे अपने थायराइड को मेंटेन किया, कैसे किसी का वेट बहुत ज्यादा था, कैसे अपने वेट को कंट्रोल किया, किसी को घुटनों में प्रॉब्लम थी, कैसे मैंने उसको सही किया, किसी की मम्मी को शुगर थी, 18 साल हो चुके थे, कैसे उन्होंने उसको यहां से ठीक किया, कैसे सप्लीमेंट को उन्होंने यूज किया, कैसा एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया है, कैसा एक माहौल मिल गया है यहाँ पे। तो अलग अलग क्या वो करना चाहती हैं जो शायद वो अपने घर से घर पे किसी को नहीं बता सकती हैं अपनी प्रॉब्लम उनकी, क्योंकि बहुत सारी हर एक लेडीज के पास कुछ ना कुछ चैलेंज होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो किसी से शेयर करना चाहती हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जहां पे वो शेयर कर पाए। बहुत सारी यहाँ पे ऐसी भी थी जो अकेली मदर हैं, उनका उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अकेली हैं। आज उनको प्राउड होता है कि एक ऐसा परिवार मिला है जो हर सिचुएशन में हमारे साथ है और वो अकेला हमें नहीं छोड़ने वाला है। कितनी सारी स्टूडेंट आज हमारे साथ थी, उनका अलग अलग वो अपनी स्टडी कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसको एज ए करियर बिल्ड कर रही है हमारे साथ। उनको जिस तरीके से एक लेडी शेयर कर रही है अपने करियर के बारे में, सेम ऐसे ही गर्ल्स भी कर रही है। तो मतलब कोई बोल नहीं पा रही है, यहाँ पे आके किसी ने गुड मॉर्निंग ही ये सही बोला, लेकिन बोला दो मिनट बोलेंगे आज, कल को चार मिनट बोलेंगे, फिर दस मिनट बोलेंगे, कभी तो हिम्मत करेंगे बोलने की, लेकिन अगर उनको मौका नहीं मिलेगा बोलने का तो सारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकलेगी, उनकी हेल्थ पे। चैलेंज किसको आएगा, उनकी हेल्थ के लिए चैलेंज आएगा, किसी का कोई नहीं जाता, कुछ नहीं जाता किसी का। अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोला है और आपने उस पर रिएक्ट कर दिया तो इसका फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, इसका फर्क सिर्फ हमको पड़ता है। जिनको आपने, जिनसे आपको उम्मीदें हैं, जिनके लिए आपने ये सोचा है कि नहीं ये मेरे लिए ऐसा करेगा, मुझे इनसे उम्मीदें हैं, तो वो सबसे ज्यादा परेशान करता है आपको। तो किसी से उम्मीद मत रखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। इस लॉकडाउन के टाइम पे अपने आप से एक चैलेंज ले लो कि मुझे खुद से प्यार करना है। कैसे लग सकती हूँ मैं, अगर मैं रेडी होती हूँ तो मैं कैसे लगूंगी। मुझे अपने लिए जीना है, जब मैंने अपने लिए जीना सीखा तभी तो मैंने दूसरों के लिए जीना सीखा। जब मैंने खुद से प्यार करना सीखा तभी तो मैं लोगों को बता रही हूँ कि नहीं, आपको खुद से प्यार करना है। मुझे इस प्लेटफॉर्म में आके सच में बहुत कुछ मिला है, मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है, और अब मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हुई है इस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपकी लाइफ चेंज हो। जहां पे आप ये सोच रहे कि पढ़ाई लिखाई इतनी की और उसके बावजूद भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम लोग बिना डर के काम करें, ऐसे लोग नहीं है जहां पे हम लोग विश्वास कर पाए, ऐसी फैमिली नहीं है जहां हम लोग उस फैमिली को अपनी फैमिली में लेके आ पाए। तो आप यहाँ पे ये सारी टेंशन छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी फैमिली मिल सकती है। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप जरूर उनसे बात करें और आप भी ऐसे एसोसिएशन में आए, और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। और हम लोग बहुत अग्रेसिव हैं काम करने के लिए, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना नाम बना सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि नहीं हमने भी लाइफ में कुछ किया है। जहाँ पे वो आज हमारी डिग्री डिप्लोमा संदूक में बंद है, अलमारियों में बंद है, यहाँ पे बिना डिग्री के, बिना डिप्लोमे के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन बदलना आपको है। आज का जो हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट का प्रोग्राम रहा है, सीरियसली में बहुत ही अमेजिंग था, दिल खुश हो गया। और मुझे पता है कि हमारी जितनी भी लेडीज हमारे साथ थी
वो भी बहुत खुश हुई होगी आज। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आज तो जितनी भी लेडीज से मैंने बात की, बहुत सारी नई लेडीज थी, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बहुत ही अच्छा रहा है आज का दिन। और हम लोग इस तरीके से रोज मीटिंग्स करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं, हम लोग कंज्यूमर एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से आप इनकम को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपना टाइम चुरा के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रोज मीटिंग करते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं, आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस एसोसिएशन में, इस फैमिली एसोसिएशन में, तो बिल्कुल आप आइए, और हम साथ में यहाँ पे बहुत बड़ा काम भी करेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।